नमस्कार, स्वागत आपका नीलम पवार डेली तड़का में। आज बनाएंगे मल्टीग्रेन आटा से स्पेशल रेसिपी। ये मैंने 2 कटोरी रागी का आटा लिया है। ये अपना एक मैं बाउल में डाल दूंगी। सेब 2 कटोरी, सूजी, एक कटोरी जौ का आटा, सेम कटोरी, एक कटोरी चने का आटा। मैंने ये चने का आटा लिया है, बेसन नहीं। स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार हरी मिर्च छोटी, ये बारीक कटी शिमला मिर्च थोड़ी बारीक कटी, गाजर, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक कटोरी के करीब दही, इनको अच्छे से मैश कर लेना है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे इसमें। ये मैं अपनी कटोरियों में एक टीस्पून इनो पाउडर, मेरा परफेक्ट मिश्रण तैयार है। इसको आधी आधा मैं अपनी कटोरियों में भर लूंगी। ये मैंने 4 कटोरियां तैयार कर ली। दस से 12 मिनट के लिए इनको स्टीम होने दूंगी। ये मैंने एक पैन पैन ले लिया, इसके ऊपर 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालूंगी। एक टीस्पून सरसों के दाने, सरसों के दाने अच्छे से तड़कने के बाद में 3-4 साबुत हरी मिर्च, ना लाल मिर्च, गैस को कर देंगे बंद। थोड़े करी पत्ता, एक टीस्पून सफेद तिल,
ये मेरा नाश्ता पक के तैयार हो गया। इसमें टूथपिक डाल के देख लेती हूँ, मेरी टूथपिक बिल्कुल साफ है। वैसे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, पर थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसको ये तड़का ऐड किया है। देखो एकदम सॉफ्ट और स्पंजी मेरा नाश्ता बनके तैयार। मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई स्पेशल रेसिपी, स्वादिष्ट कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर, स्वादिष्ट और हेल्दी। इसको टमाटर की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे, एकदम सॉफ्ट।